What's up guys, Assalamu alaikum, welcome to my channel, कैसे हैं आप लोग सब। तो यार आज मेरी मुलाकात है उस शख्स से, मुलाकात है जो मेरा सबसे पहला सब्सक्राइबर बना था भाई। तो नंबर वन सब्सक्राइबर है मेरा, पहले दिन से सब्सक्राइबर है, सबसे पहला जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था। तो उससे मिलने में जा रहा हूँ, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आऊँगा और आपके साथ डेट करेंगे, डिनर डेट करेंगे और कुछ बैठेंगे, कुछ गपशप मारेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं निकलता हूँ उस जर्नी पे, काफी दूर है, तो वहां मिलते हैं, साथ में रहिए, मिलते हैं थोड़ी सी देर में, ब्रेक के बाद। कामकाज नहीं, घर में ये सारी गाड़ियां लेके आ जाते हैं हाईवे के ऊपर, सारा ट्रैफिक जाम कर दिया है। पता नहीं इनको आज मैं निकलने वाला था, ये क्या ड्रामा है यार, बिल्कुल फारिग लोग हैं सारे ये। यार ये घर आप लोग सुन रहे हैं, इसके वर्ड सुन रहे आप, क्या बात है भाई, तो भाई ये मैंने आपको ये दो लाइन सिर्फ इसलिए सुनाई है, ये है सिंगर पाकिस्तान के सज्जाद अली। जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा होगा ना, ये उस टाइम से साहिल पे खड़ा हुआ है, अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। ये उस टाइम खड़ा हुआ था साहिल के ऊपर और आज भी वहीं खड़ा हुआ है, वही गाना गा रहा है। तो बस ये बताना था भाई आपको, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ जिस डेस्टिनेशन जाना चाह रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत है, थोड़ी देर मिलते हैं फिर आपसे, फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके यार, अभी देख रहे हो गाड़ी कैसे हिचकुले खा रही, ऊंट की तरह, ऊंट की तरह। जब गाड़ी ऊंट बन जाए तो समझो क्वींस में आ गए हो, क्वींस एक इलाका है यहाँ पर, यहाँ ऐसी मिलेगा भाई और क्या। मतलब गाड़ी ऊंट बन गई तो मतलब क्वींस आ गए आप, क्वींस आ गए हो भाई, समझो क्वींस आ गए। सेटअप क्या बात है यार, शिवाय डांस एकेडमी फौरन आता है, नाइस लोगो, ऑन एयर, ऑन एयर सर, मैं हमेशा ऑन एयर रहता हूँ, ऑलवेज ऑन एयर, हमेशा ऑन एयर रहता है, कभी इसकी लाइट ऑफ नहीं होती, कभी ऑफ नहीं होती, ऑलवेज ऑलवेज, क्या बात है यार। तो ये देखें, आप टीवी शीवी सेट कर दिया, जबरदस्त लुक्स, ब्यूटीफुल, आई लव दैट वॉच यार, थैंक यू सो मच, दैट्स अ गुड लुकिंग वॉच। एक और रोहन भाई के लेंस कलेक्शन, क्या बात है। ये देखे सर, रोहन भाई के इलाके में हिरन छोड़े हुए, ये असल में मेरे बर्थडे के लिए छोड़े, हिरन शिरन घूम रहे हैं सर भाई, हिरन भी छोड़े हुए, आपने लाइन शाइन भी होंगे अब। सर भाई मेरा भाई आया ना, सलमान भाई बोले कि किधर रहता है तू, मैं बहुत डर रहा हूँ, मेरी भी जब लास्ट टाइम बात हुई यही मुझे बोलते हैं, रात में जो है ना मेरा दिल भी नहीं करता बाहर निकलने का, मैं ना रात में, तो खैर रात में निकलने वाली जगह नहीं है भाई, ये दिन का इलाका बड़ा खूबसूरत है। और करीब कितने हो यार, अब दो पांच मिनट की ड्राइव नहीं है राइट आपकी, ओक ट्री जो अपना इंडियन बाजार बना हुआ है, सलमान भाई मैं एकदम नजदीक रहता हूं, ये जो मेन एरिया है वहां से, इट इज अ वेरी गुड एरिया, यस सर। अरे आपको अंदर से लेके जाना था यार, ये जो रोहन का जो इलाका है, ओक ट्री जो है, जैसे हमारे वहां पर जैक्सन हाइट है, ये यहाँ का जैक्सन हाइट है भाई, तो सारे अपने इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पर भरे पड़े हुए, खाने पीने की वैरायटी बहुत है और इनके घर से काफी करीब है। तो अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे, देखते हैं क्या नाम है और वहाँ पर जाके थोड़ी सी, फिर मुगल रेस्टोरेंट, मुगल रेस्टोरेंट है, ठीक है, मुगल रेस्टोरेंट नाम है, तो अंदर जाके चेकआउट करते हैं साथ में। रोहन भाई ने रुमाली रोटी के बारे में बात की है, रुमाली रोटी मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब खाई थी,
मुझे इतनी पसंद है, अभी ने बोला रुमाली रोटी मिलती है, बस अब देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा रेस्टोरेंट है टिक्का मसाला करके, वहाँ पर मिलती है, पर थोड़ा दूर है। बट अभी हम लोग मुगल एक्सप्रेस जा रहे हैं, तो मुगल में मिलेगी रुमाली रोटी? अरे यार यहाँ पर तंदूरी रोटी वगैरह मिल जाएगी। चलो यार, इस वक्त जो मिलेगा उसी को रुमाली रोटी समझ के खा लूंगा, भूख इतनी लगी है, वो ये टेस्ट वही मिलेगा मुझे रुमाली रोटी के सब भूख जिस तरह लगी है मुझे। तो ये है रेस्टोरेंट भाई मुगल, सिंस 1994। वाओ, इंडियन फूड हॉल, ठीक है भाई। चलो जी देखते हैं यहाँ का। तो भाई ये है रेस्टोरेंट जिसका नाम है मुगल। तो यहाँ से भी मैंने ऑर्डर किया है, मैंने क्या रोहन ने ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाई और चिकन टिक्का रेड वाली और चिकन टिक्का वाइट वाली, जो चिकन मलाई बोलते हैं आई थिंक। तो अभी बस खाना अभी वेट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यार भूख इतनी लगी है, मैंने इसको बोला दो दुम्बे और चार गोट कर देना भाई, ज़्यादा भूख नहीं है, इसी से काम चला लूँगा। तो अभी ऑर्डर दे दिए दुम्बे और जो है गोट, पूरे लाइव गोट जो है वो पीछे पैक कर काट रहे हैं उसको भी रेडी कर रहे हैं, बहुत भूख लगी। तो यार ये है, ये क्या है, चिकन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई है। ये है रुमाली रोटी, मेरे टाइप की रुमाली रोटी है भाई, मैं इसको रुमाली रोटी समझ खा लूँगा। और ये वाइट राइस आ गए, अभी दो आइटम और आने वाले हैं। रोहन भाई शुरू हो चुके हैं, आमिर भाई शुरू हो जाओ यार। तो भाई चिकन मलाई, चिकन अंगार, रोहन भाई आप मुझे दो फीडबैक, रिव्यू दो ज़रा मुझे इस चिकन का, इसका टेस्ट बताएं आप, ज़रा फीडबैक दें मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त, हर चीज़ का एनालाइज किया है रोहन भाई ने। एकदम सॉफ्ट, स्पाइसी, जूसी, साथ में जो प्याज आए इसका जवाब है। क्या बात है, आमिर भाई तो बात ही नहीं कह रहे, बहुत बिजी है खाने पीने में भाई। तो आमिर भाई खा रहे ऐसे है कि ये चिकन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अब इसका ऑपरेशन हो रहा है चिकन का, उसके बाद फिर खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हमें टेस्ट कैसा है वाकई में, सीरियसली अच्छा है राइट, फ्लेवर परफेक्ट है राइट। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हें, चिकन अंगार के वाइट वाला? वाइट वाला, वाइट वाला राइट, जबरदस्त। तो यार यकीन करो जान में जान आ गई, इसलिए वाकई में काफ़ी भूख लगी हुई थी, और जो खाना मिला है मज़ेदार तो ये है। तो जैसा मैंने आपको बताया रोहन भाई, मैं यही बोला था यार, खाना खाया और खाने का जो लुफ्त आया है, और जो आप वो चिकन मलाई और वो चिकन कढ़ाई जो पेट में मैंने चढ़ाई, मज़ा आ गया खुदा के साथ। क्या बात है यार, टेस्ट गुड था और बैलेंस में, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, रियली गुड। मुगल है ये जगह का नाम क्या है अपना? ओकरी रोड पे ही है, ओकरी रोड पे ही है मुगल भाई, यहाँ पर आओ चेक इट आउट, ठीक है? नाइस रेस्टोरेंट। ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से हमने ख़त्म की थी ये जगह, आप लोगों को शायद याद होगी अगर आप पिछला व्लॉग देखा है हमारा, जो कंपटीशन हुआ था पूल का, मैं और ये भाई जो है, इनको मैंने 5 गेम मारे थे ये याद रखना, पूरे 5 गेम, पूरे 5-0। क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे, कितना झूठ बोल रहे। चलो एक काम करते हैं, उस बात को भूल जाते हैं, उसको स्वाइप करो, उसको स्वाइप कर लो, ये फ्रेश। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं साथ में क्या होता है भाई, आज पता चल जाएगा थोड़ी। कोर्स यस, हियर वी गो। तो भाई दुआ करना आप लोग सब, ठीक है? आज ही स्टार्ट करें पहला गेम, मैं रोहन भाई को चाहूँगा ब्रेक करें, तो देखते हैं क्या होता है। क्या करते हैं,
यार ये पॉकेट सही नहीं था भाई, ये पॉकेट सही नहीं है, टेढ़ा है पॉकेट। इसको क्यों नहीं खेला? अब सारी खत्म हो गई, ये सारी खत्म कैसे हो गई? Come on, Ron, you can do this, man. You can. ये बेमानी हो रही है, ब्रश यूज करके खेला जा रहा है। ओए होए, कैसे रोन? All right. रोन ये बेमानी था, शॉट ये मैं रेडी भी नहीं था। लग रही है टच हो रहा है इसको। नहीं टच नहीं है, नहीं है टच होएगा तो फाउल है। तुम अगर ब्लैक बॉल को टच होएगा तो फाउल है, इतना याद रखना। फाउल करोगे तो मैं गेम जीत गया। रोन सेट कर, बहुत हो गई रोहन भाई, बहुत हो गई यार। रुक जा, ये देखो भाई हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे पूरा गेम। हे वी गो लास्ट बॉल, ओए होए होए बचत हो गई, ये रही मेरी बॉल। इधर नहीं, उधर चली जाए भाई, चली जाए, इधर रख ले। बराबर हो गया। टॉपिक समाचार ये है कि स्कोर 1-1 से बराबर हो चुका है, एक मैं गेम जीत गया हूँ, एक रोहन जीता हुआ है। सो गेम नंबर 3, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों भाई लोग जो है काफ़ी टाइम के बाद खेल रहे हैं और मुकाबला सख्त है, मज़ा आ रहा है। अब गेम नंबर 3 शुरू हो। What the hell? यो पूरा उसमें सक, ओह माय गॉड, तो यार बड़ा मज़ा आया, दो दो गेम जीते दोनों ने और बराबर रहा गेम, और खेलने में काफ़ी टाइम बाद खेला, मज़ा आया। असल में हुआ ये, आमिर भाई भी पुल गेम, पहला पुल गेम खेला और हार गए, ये उसका गुस्सा निकालेंगे इसके ऊपर। ओए होए 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 होए, आमिर दिखा दे अपनी जान, दिखा दे भाई, अरे भाई, ओए होए होए, देखते 655 एक बाकी है, ये लो एक मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? क्या सुनाओ भाई, आप भी मारोगे? अरे यार व्हाई नॉट, एंजॉय के लिए, आज तक मारा नहीं है पहले। 655 राइट, क्या बात है यार, हाँ फिर मारना गुस्सा। सेकंड चांस आमिर, आमिर द बॉक्सर, ओ हो 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 हो, अरे हैं ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं आमिर भाई, लास्ट चांस है, लास्ट चांस नॉर्मल है, ये भी हमारा बराबर नहीं था, बट फिर भी आपका ऐसा कैसे जा रहा है? पावर है भाई, पावर भाई, पावर है।
तो यार बड़ा मज़ा आया, आज के दिन अच्छा गुजरा, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई हम लोग की, हम मेरी और रोहन की, स्पेशली जब ये इंडिया गया था उसके उससे पहले भी काफ़ी टाइम तक हमारा स्केड्यूल बड़ा टाइट चला था दोनों का। आज बड़े टाइम के बाद हमने टाइम निकाला है और दोबारा से हमने जो अपनी मेमोरी थी उसको रिफ़्रेश किया है, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, रोहन भाई की धार लगी हुई थी पर गेम खेलने में मज़ा आया, चैलेंज तो दिया ही, थोड़ा बहुत तो दिया है, आपने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, बस वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर द मेन थिंग हम दोनों जब भी साथ खेलते हैं पूरे हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग करना है वो पिंग पोंग जो है जिसको क्या बोलते हैं, पिंग पोंग बोलते हैं राइट, तो हम लोगों ने पिंग पोंग स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, तो मज़ा आया, दैट वाज प्रीटी कूल, एंजॉय। चलो जी भाई, अब जाने का टाइम आ चुका है और बहुत टाइम बाद आप लोग बार बार पूछते थे रोहन के साथ कब मिलेंगे, कब वीडियो बनाएंगे। आज हमने बड़ा इन्जॉय किया बड़े टाइम के बाद, और इट वॉज फन राइट, पूल शूल खेला हमने तो मज़ा आया। देखना भाई, इन्जॉय करना इस व्लॉग को। और अभी मैंने और रोहन ने कुछ प्लान किया है अपकमिंग टाइम पे, एक बनाते हैं कुछ बनाते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन लव यू ऑल एंड पीस, टेक केयर, बाय 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 एवरीबॉडी।